टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। सड़क हादसे में 3 की मौत, 4 घायल। इटावा में डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, घटनास्थल पर 3 लोगों की मौत। गोंडा में 3 दिनों से घाघरा का जलस्तर हो रहा ऊपर नीचे, सैकड़ों बीघा पर्वतधारा में समाहित, खतरे के निशान छूने को बिताब। पॉस्को एक्ट के आरोपी को 10 साल का कारावास, मथुरा कोर्ट ने सुनाई सजा। 3 साल पहले नाबालिग का किया था रेप। सोनभद्र में बच्चों को जरूर कराएं योग अभ्यास, रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय पर पहुंचे योग संरक्षक, नियमित योग क्रियाओं के बारे में बताया। औरैया में सोमवार से दवा पिलाई जाएगी, इसका अभियान चलाया जाएगा, विटामिन ए की पिलाई जाएगी दवा। हरियाली 30 2022 सोना चांदी से बने झूले में विराजमान हुए बांके बिहारी, भगवान रंगनाथ चांदी के झूले में बैठकर देंगे दर्शन। भदोही सड़क हादसे में 1 की मौत, हाईवे पर ट्रक से टकराई कार, 2 लोग घायल। कौशाम्बी से काशी दर्शन करने जा रहे थे। हिंदू बालक का साजिशन कराया गया खतना, पिता की तहरीर पर पीड़ित की मां समेत 2 गिरफ्तार। रायबरेली में गौवंशों के शवों को नोच रहे कुत्ते, कौवे कीचड़ में फंसकर दम तोड़ रहे गौवंश, चारे पानी की भी व्यवस्था नहीं। हरदोई में कावड़ियों से भरी ट्रॉली और बस में टक्कर, 1 की मौत, 9 घायल। फरुखाबाद के पांचाल घाट से लेने जा रहे थे गंगा जल। कासगंज में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, ई रिक्शे की बैटरी चार्जिंग में लगाते समय हुआ हादसा, गैरेज में लगा रहा था प्लग। भाजपा नेता के घर चली गोली, बच्चे की मौत। कौशाम्बी में पड़ोसी के बेटे के जिला मंत्री के बेटे के साथ खेल रहा था, कमरे में मिली रिवॉल्वर। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में हुआ विस्फोट, विस्फोट से 2 मंजिला मकान हुआ जमींदोज, हादसे में 1 घायल, जांच में जुटी पुलिस। शामली के डिप्टी सीएमओ पर धमकी देने का आरोप, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग। सोनभद्र में सिर मुड़वाकर महिला को गांव में घुमाया, चेहरे पर पोता कालिक और चूना, गले में पहनाई चप्पलों की माला। भड़का हुआ अश्लील गाने बजवाने पर 2 को हिरासत में लिया गया, सीतापुर पुलिस ने डीजे ऑपरेटर और मालिक को पकड़ा, कांवड़ियों ने किया हंगामा। डिप्टी सीएम समेत मंत्रियों ने यातायात नियमों की उड़ाई धज्जिया, चित्रकूट में ई रिक्शे पर सवार होकर डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री पहुंचे रामघाट। जालौन में खाना लाने में देरी होने पर मारपीट, ग्राहक और वेटर में चले लात घूंसे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में महिला की मौत, पिता बोला ससुरालियों ने हत्या कर लटकाया है शव, दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। छोटे भाई ने बड़े भाई की गला दबाकर की हत्या, बस्ती में जबरन खेत में धान की रोपाई से किया धमना, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को किया अरेस्ट। बारिश में गिरी छत, 7 पशु दबे, 2 की मौत। मुजफ्फरनगर के गांव कुलहेड़ी में देर रात हुआ हादसा। वाराणसी में उपन्यास सम्राट के घर फहराया गया तिरंगा, इंद्रेश कुमार लम्हे में बोले मुंशी प्रेमचंद्र देश के लिए लिखते रहे। बिजनौर में सड़क हादसे में 4 की मौत, 4 घायल। को कार और रोडवेज बस में हुई आमने सामने से जोरदार टक्कर, कार ड्राइवर नींद में था। गाजीपुर में समन्वय समिति की बैठक में पहुंचे अफजल अंसारी, परिवार पर हो रही कार्रवाई को बताया पुरस्कार। दवा के संकट से जूझ रहा जिला अस्पताल, अंबेडकर नगर में 200 से अधिक दवाओं की कमी, मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। मेरठ में होटल में चलता मिला सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा, युवती सहित 4 युवक पकड़े गए। ज्वेलर्स की दुकान से महिलाओं ने उड़ाए हजारों की छाले, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ इनामी बदमाश, बोला आज के बाद नहीं करूंगा अपराध।
इस मुठभेड़ में बदमाश सहित एक पुलिसकर्मी घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चार लूट की वारदात में था शामिल। अलीगढ़ में 15 बेजुबान भेड़ों की गर्दन काटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। औरैया में पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ पिटाई गई डुगडुगी, घोषणा किया गया कि जिले में दिखाई ना दे। बदायूं में पैदल कांवड़ियों की कांवड़ के ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना, घटना में दो कांवड़िए घायल, पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में लिया। अलीगढ़ लाला ब्रज किशोर पब्लिक स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं का किया गया सम्मान, एसडीएम ने किया छात्रों का सम्मान। औरैया में बच्चों भरी वैन के विद्युत पोल से टुकराने के बाद परिवहन विभाग जागा, अगर पहले ही जाग गया होता तो ना होता यह। बुलंदशहर में क्षेत्राधिकारी खुर्जा द्वारा पुलिस फोर्स के साथ निकाला फ्लैग मार्च, महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र का किया गया दौरा। अलीगढ़ में लोन कराने का झांसा देकर युवक ने दर्जनों महिलाओं से ठगे रुपए, महिलाओं ने एसएसपी से की शिकायत। गाजियाबाद में मुहर्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां शुरू, प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था को लेकर दिया दिशा निर्देश। कानपुर फूड विभाग की लापरवाही आई सामने, जन्मदिन केक खाकर दर्जन भर लोगों की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में छेड़छाड़ से तंग आकर मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने किया प्रदर्शन, महीनों से छात्राओं के साथ कैंपस में 25 से ज्यादा हो चुके हैं छेड़छाड़ की घटना। गोरखपुर के डीजी आनंद कुमार ने जिला कारागार का किया निरीक्षण, डीजी ने सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के दिए निर्देश। कानपुर देहात में मिड डे मील के इस सत्र में एक दिन भी नहीं मिला बच्चों को दूध फल खाना, मामले को शिक्षा विभाग ने संज्ञान में लेकर जांच का आश्वासन दिया। प्रयागराज में खतरे के निशान पर गंगा यमुना जलस्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्र इलाके में रहने वाले लोग बेचैन। अलीगढ़ में शराब के नशे में एक गाड़ी चला रहे गाड़ी चालक को पीटा, मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने, थाना सिविल लाइन के घंटाघर इलाके की घटना। अयोध्या में पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, खंडासा पुलिस ने तिंदौली तिराहे से किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, सिकंदराबाद खुर्जा रोड पर अवैध कॉलोनियों में ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर ने निचली गंग नहर में लगाई छलांग। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र डीपीएस इंटर कॉलेज सॉल्वर गिरफ्तार, लेखपाल परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की जगह देने आया था परीक्षा। अलीगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, सूचना पर पहुंचा रेलवे पुलिस जानकारी जुटाने में लगा। फरुखाबाद जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही, शहीद स्मारक पर फैला गंदगी का अंबार, प्रतिमा पर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की नहीं नजरें। सीएम योगी ने रामलला का किया दर्शन, राम मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस को दी श्रद्धांजलि, संतों के साथ किया भोज। यूपी समेत 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, देवबंद से मदरसा स्टूडेंट को उठाया कर्नाटक, आईएसआईएस मॉड्यूल के लिए ट्रांसलेशन का आरोप। बारिश में भी दिन रात हो रहा नए टर्मिनल का निर्माण, चुकेरी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को समय पर पूरा करने की चल रही है कवायद। उन्नाव में जर्जर बिल्डिंग में चल रहा पशु चिकित्सालय, छत से गिर रहा प्लास्टर, फिर भी इलाज जारी, डॉक्टर बोला हमारे पास नहीं है कोई दूसरा भवन। गाजीपुर में युवक की गला रेत कर हत्या, हत्यारों ने फोन कर सुबह गली में बुलाया, 10 दिन पहले दिल्ली से लौटा था युवक। कानपुर देहात में चलती ट्रेन से कूदे 3 युवक, चपेट में आकर एक युवक की मौत, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे युवक। गोरखपुर में गीड़ा की प्लाई फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, 100 मजदूरों के रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू किया गया। मऊ में आर्य समाज ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, शारदा नारायण हॉस्पिटल ने किया आयोजन। देवरिया में बंधे किनारे में लग गया तो युवती का शव, औंधे मुंह गिरे शव के शिनाख्त में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में बच्चों को किडनैप करने वाले युवक अरेस्ट, भीड़ ने पकड़ कर जमकर पीटा, एक आरोपी फरार।
बुलंदशहर के अनूपशहर में बढ़ा गंगा का जल स्तर, अलर्ट जारी, 12 गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, प्रति घंटे छोड़ा जा रहा है 1 लाख क्यूसेक पानी। अंबेडकर नगर में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, समाज सेवी ने टीम के साथ कांवड़ लेकर आने जाने वाले भक्तों को पट्टी कर दवाई दी। चित्रकूट जिला अस्पताल का डिप्टी सीएम ने किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में खुली बिजली की तार देख भड़के ब्रजेश पाठक, सीएमओ को लगाई फटकार। हापुड़ में एसपी के समक्ष उठा चौकी निर्माण का मुद्दा, व्यापारियों ने कहा सुरक्षा होगी मजबूत, हमारे साथ नरमी से पेश आए पुलिस। नदी में डूबकर 2 सगे भाई समेत 3 की मौत, सरयू नदी में फिशिंग करने गए थे, 15 घंटे बाद मिली 3 का शव। आजमगढ़ में रमाकांत यादव का राजनीतिक रसूख, पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव को भी मिलती थी चुनौती, नहीं लग पाए थे झंडे। नहर में मिला एक युवक का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस बोली कहीं से बहकर आया होगा। हाथरस में दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, 3 बुजुर्ग महिलाएं दीवार से सटकर बैठी थी, भरभरा कर गिरी दीवार, 2 घायल। सिद्धार्थनगर के 13 इंस्पेक्टरों को नई तैनाती, कई को दूसरे थानों में भेजा गया, कई इंस्पेक्टरों को पुराने थानों में ही संभालने की मिली जिम्मेदारी। संत कबीरनगर के उच्च प्राथमिकता वाले गांवों में चला सफाई अभियान, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 27 बुखार संबंधित रोगियों को किया चिन्हित। पीलीभीत में भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा, जमीन पर गिराकर बेस बैट से पीटा, हाथ जोड़कर जान छुड़ाई। सीतापुर में कीचड़ और जल भराव से गुजर रहे कांवड़िए, कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क खराब होने से परेशानियां, डीएम का आदेश बेअसर। रंजिश में पड़ोसियों ने बच्चे की आंख में घोपा चाकू, इलाज के लिए मेरठ से दिल्ली रेफर, वीडियो वायरल। बाकियों ने नेशनल हाईवे चक्कर जाम कर कार्यक्रम लिया वापस, पैदल मार्च कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। हरदोई में रफ्तार के जुनून ने ली जान, ट्रिपलिंग करके अजूतपुर जा रहे थे वापस। पिछहत्तर जिलों के 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।